To watch this video in English, please click on the link above or check out the description box below. नमस्कार, आज मैं आई हूँ यहाँ पर पतंजलि का सौंदर्य एलोवेरा जेल लेके, और मैंने इसका रिव्यू और ओरिजिनल एलोवेरा जेल के साथ कंपैरिजन वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, आप वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ पतंजलि एलोवेरा जेल से, सिर्फ एक एलोवेरा जेल से आप पूरा फेशियल घर पर बैठे कैसे कर सकते हैं, ये वीडियो भी मैंने ऑलरेडी बना दिया है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम इसके टॉप 10 यूजर्स के साथ। तो पहले दो यूज़र्स मैं वही बताऊंगी जो कि इसके ऊपर दिए हुए हैं, जो कि सबसे सिंपल है और जो कि सब लोग ज़्यादातर करते हैं। आपको अपने साफ चेहरे पर पतंजलि एलोवेरा जेल को 10 मिनट के लिए अपने फेस पर मसाज करना है और उसको लगाकर सो जाना है। अगले दिन जब आप उठेंगे तब आप अपना चेहरा धो लीजिए। दूसरा, अपने साफ चेहरे पर एक मोटी परत जो है इस एलोवेरा जेल की, वो अपने चेहरे पर लगाइए और उसको आधे घंटे के लिए अपने फेस पर छोड़ दीजिए। उसके बाद आप अपने चेहरे को धो लीजिए। तीसरा, आप थोड़ा सा एलोवेरा जेल लीजिए, उसके अंदर आप थोड़े पानी को मिलाइए और इसके बाद फ्रीज़र में इसको जमने के लिए रख दीजिए। इस बर्फ़ से आपको अपने साफ चेहरे पर मसाज करनी है। बर्फ़ की मसाज बहुत अच्छी होती है चेहरे के लिए, लंबे समय तक स्किन को जवान बनाए रखती है, रिंकल्स से बचाती है, साथ के साथ एक यूथफुल लुक आता है, ग्लो आता है और बहुत ही स्मूथ बन जाता है हमारा चेहरा। और इस बर्फ़ से आपको एलोवेरा जेल, केसर चंदन और आइस मसाज के सभी के उपयोग, सभी के लाभ एक ही बार में मिल जाएंगे। चौथा प्रयोग, हम इसको प्राइमर की तरह यूज़ कर सकते हैं अपने चेहरे पर। इसको हम थोड़े से मॉइस्चराइज़र और ग्लिसरीन में मिला के फिर अपने चेहरे पर लगा सकते हैं अपने मेकअप को करने के पहले, या फिर हम सिर्फ एलोवेरा जेल को भी अपने चेहरे पर लगा सकते हैं मेकअप करने के पहले। इससे जो हमारे पोर्स खुले हुए होते हैं वो बंद हो जाएंगे, स्किन काफ़ी स्मूथ हो जाएगी, अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाएगी और हमारा मेकअप जो है वो लंबे समय तक टिकेगा। पांचवा, आईब्रो जेल। जब आप अपनी आईब्रोज कर लेते हैं पेंसिल से और ब्राउ पाउडर से, उसके बाद आप अपनी आईब्रोज को सेट कर सकते हैं बिल्कुल ज़रा से एलोवेरा जेल की मदद से। यह बहुत अच्छे से काम करता है और अगर आपकी आईब्रोज बहुत सुंदर हैं, आपको फिल करने की और आईब्रो पेंसिल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं भी पड़ती है, तब भी आप एलोवेरा जेल से अगर अपने आईब्रो हेयर को सेट करेंगे तो वो बहुत ही सुंदर दिखाई देंगे। छठा प्रयोग है, आप इसको अपने फाउंडेशन के अंदर मिक्स कर सकते हैं। आपका फाउंडेशन जो है फिर केकी नहीं होगा, ड्राई नहीं होगा आपके फेस के ऊपर और एक अच्छा ड्यूई और ग्लोइंग फिनिश देगा अगर आप ज़रा सा एलोवेरा जेल अपने फाउंडेशन में मिलाकर अपने फाउंडेशन को अपने चेहरे पर लगाते हैं तो। सातवां प्रयोग, आप ज़रा से एलोवेरा जेल के अंदर उतनी ही मात्रा में अपनी क्रीम लीजिए या फिर आप दूध का प्रयोग कर सकते हैं और इसको अपने चेहरे पर 5-10 मिनट मसाज कीजिए या फिर ज़रा सा लगाकर रात भर सो जाइए और सुबह जब आप देखेंगे तो आपका चेहरा बहुत ही खिल रहा होगा। नंबर 8, कॉफ़ी स्क्रब। आप इसके अंदर थोड़ी सी मोटे दाने वाली जो कॉफ़ी आती है उसको मिलाइए। आप चीनी का भी चाहें तो प्रयोग कर सकते हैं, पर कॉफ़ी का मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, चीनी वाला चिपचिपा लगता है। कॉफ़ी वाले को आप थोड़ी सी कॉफ़ी को इसके अंदर एलोवेरा जेल में मिलाइए और उसके बाद अपने चेहरे पर अच्छे से 5 मिनट के लिए मसाज कीजिए। इससे आपका जो भी गंद है, अगर कोई डर्ट है, पोल्यूशन की वजह से आपका चेहरा जो गंदा हुआ है और ब्लैक हेड्स हैं, तो वो साफ़ हो जाएंगे। नौवां प्रयोग है फेस पैक या फिर फेस मास्क की तरह से। आप एलोवेरा जेल लीजिए, इसमें नींबू का रस मिलाइए और अपने साफ चेहरे पर लगा के 10 से 15 मिनट के लिए रख दीजिए। इससे जो भी आपके काले घेरे हैं, जो आपकी स्किन टोन एक समान नहीं है, वो ठीक हो जाएगी लंबे समय तक ऐसा करेंगे अगर आप तो, और साथ के साथ एक अच्छा ग्लो मिलेगा, स्किन लाइटनिंग होएगी, गोरा भी हो सकते हैं। फेस पैक, आप बेसन ले लीजिए, मुल्तानी मिट्टी ले लीजिए, हल्दी ले लीजिए या इनमें से कोई भी एक या दो चीज़ ले लीजिए, चावल का आटा है तो वो ले सकते हैं। इन सबको आप थोड़े से एलोवेरा जेल में, सौंदर्य एलोवेरा जेल में मिलाएंगे और उसके बाद अपने चेहरे पर लगाएंगे, 1-2 मिनट के लिए मसाज करेंगे और फिर उसके बाद
10 से 15 मिनट तक अपने चेहरे पर छोड़ दीजिए। जब वह सूख जाएगा उसको साफ पानी से धो लीजिए। आपको बहुत ही सुंदर इंस्टेंटली बहुत सुंदर चेहरा खिला हुआ मिलेगा। तो और अगर आप इसे फेशियल में यूज़ करेंगे तो आप अपने स्क्रबिंग करने के बाद फेस पैक को यूज़ कर सकते हैं ताकि आपके पोर्स जो खुल गए थे वो वापस से बंद हो जाए। 10वां प्रयोग, आप इसको फेशियल स्प्रे की तरह से भी यूज़ कर सकते हैं या फिर कॉटन पैड्स फेशियल वाले उनकी तरह से यूज़ कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, आप थोड़ा सा ये एलोवेरा जेल लेंगे, इसमें रोज़ वाटर को या फिर सिंपल प्लेन वाटर को लेंगे, उसको अच्छे से आप एक खाली एम्प्टी स्प्रे बॉटल में हिलाकर मिला लेंगे। और जब भी आपको अपने चेहरे को फ्रेश करने का मन करे तब आप अपने चेहरे पर छिड़क सकते हैं। और अगर आप चाहें किसी कंटेनर में डब्बा लेके उसके अंदर आप कुछ कॉटन पैड्स को रख देंगे और इस पानी को डाल के भर के बंद करके फ्रिज में रख देंगे। तो जब भी आपको गर्मी लगे और आपको ठंडक पहुंचानी हो अपने चेहरे को तो आप उस एक कॉटन पैड को लेंगे और अपने चेहरे को उससे अच्छे से साफ कर लेंगे। तो ये थे मेरे टॉप 10 यूजेस जिससे मुझे अपना सौंदर्य एलोवेरा जेल यूज़ करना पसंद है। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर ऐसा है तो प्लीज़ इसको थम्स अप कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग मेरे साथ बने रहें और मेरे को सोशल मीडिया पर मेरे दूसरे चैनल्स को फॉलो करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा अगर आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे। ऐसी और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में मिलूंगी। टिल देन टेक केयर एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।